देश की वायु शक्ति को और बढ़ाने के लिए रक्षा मंत्रालय रूस से खरीदेगा 33 नए फाइटर प्लेन। म्यांमार में भूस्खलन ने मचाई भारी तबाही, 113 से अधिक लोगों की मौत, कई लापता। नेपाल में सियासी हलचल तेज, देश को संबोधित करेंगे ओली, बजट सत्र रद्द। फर्जी शिक्षकों से 900 करोड़ रुपया वसूलेगी योगी आदित्यनाथ सरकार, सभी होंगे बर्खास्त। मंत्रिमंडल विस्तार ने दिया संकेत, दादी की तरह ही चलेगी सिंधिया की भी मस्जिद। कोरोना पर अंकुश लगाने में जुटी योगी सरकार, 1.5 लाख कोविड बेड वाला पहला राज्य। जान पर खेलकर बच्चे की जान बचाने वाले बहादुर जवान पवन के नाम से घर तक बनेगी पक्की सड़क। दिल्ली की युवती से शादी से ससुराल में फैला कोरोना, दूल्हा दुल्हन समेत परिवारजन संक्रमण की चपेट में। लखनऊ में बने 11 नए कंटेनमेंट जोन, अब तक 1063 संक्रमित। अयोध्या में 6 व लखीमपुर में 2 मामले। वाराणसी में 444 में से 29 कोरोना पॉजिटिव, एक की मौत, 307 मरीज हो चुके हैं स्वस्थ।